म्यूचुअल फंड में SIP क्यों करनी चाहिए? लेट्स लुक एट वन स्मॉल एग्जाम्पल। अगर मैं आपसे कहूं आपको 500 और 1000 के नोट में से कोई एक नोट देता हूं आज, तो आप क्या चुनोगे? क्या 1000 का नोट? सही सुना ना मैंने। लेकिन अब यही अगर मैं कहूं कि मैं 500 का नोट आज दूंगा और 1000 का नोट 10 बरस के बाद दूंगा, तो आई एम श्योर आपका आंसर चेंज हो जाएगा और आप कहेंगे 500 का नोट आज दे दो भाई। वेल फ्रेंड्स, इस एग्जांपल से मैं ये बताना चाहता हूं कि 500 के नोट की वैल्यू या परचेजिंग पावर आज ज्यादा है 10 बरस बाद के 1000 के नोट से। एम आई करेक्ट? और ऐसा क्यों? एस महंगाई बढ़ रही है, तो जितना जल्दी आप करेंसी को कन्वर्ट करोगे किसी ऐसे असेट में जो महंगाई को बीट कर पाएगा, तो आप रिटेन कर पाओगे करेंसी की परचेजिंग पावर। अब आगे बढ़ने से पहले, मैं हूं भावेन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका 1 point डेस्टिनेशन टू सीक अनबायस्ड पर्सनल फाइनेंशियल कंसल्टेशन। लेट्स कंटिन्यू। अब मान लेते हैं इस पेन की कीमत आज है 500 रुपया। अब यही पैसे आपने आज पेन न खरीद के FD में इन्वेस्ट कर दिए जो 6% रिटर्न देती है। अब 10 साल बाद आपको टैक्स काट कर मिलेंगे कुछ 800 रुपए और पेन की कीमत होगी कुछ 1000 रुपए। इस एग्जाम्पल से ये तो क्लियर हो गया होगा कि परचेजिंग पावर से मेरा क्या मतलब था। 500 की पेन जो आज खरीद पाओगे वो 10 बरस बाद नहीं खरीद पाओगे, एस आपके 500 रुपए बढ़कर हुए होंगे सिर्फ 800 रुपए और पेन की कीमत बढ़कर हो गई होगी 1000 रुपए। अच्छा चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आज 100 रुपए लेना पसंद करेंगे या 7 दिन बाद 101 रुपया? क्या मैंने सही सुना? आज 100 रुपया? दोस्तों, अगर आपने 100 रुपया कहा तो आपको कोई अंदाजा नहीं है कि आपने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी खो दी है। 7 दिनों में 100 रुपए पे 1 रुपया यानी 48% रिटर्न को ठोकर मार दी है आपने। वेल, आपका 100 रुपया चुनने का मेन कारण क्या था पता है? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। लेकिन दोस्तों, इन्वेस्टमेंट आपसे समय मांगता है। लेट्स लिसन टू वन शॉर्ट स्टोरी। हरीश के एजेंट ने उसे फ्री में एडवाइस दी कि अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए चाइल्ड एजुकेशन प्लान ले लो। तुम्हारा बच्चा आज 4 साल का है और 14 बरस बाद जब 18 बरस का होगा तो तुम्हें मिलेंगे 16 लाख रुपए। तुम्हें भरने होंगे सिर्फ 5000 रुपए हर महीने अगले 14 सालों के लिए। मुकेश खुद को फाइनेंशियल प्लानर समझता था, एक्चुअली वो था एक डॉक्टर। उसे लगता था कि किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दूं तो पैसे तो बनने ही हैं। उसने अपनी 5000 की SIP कुछ फंड्स में शुरू कर दी और सोचा उसके बच्चे के एजुकेशन के वक्त पैसे निकाल लेगा। अब महेश को कदर थी एक प्रोफेशनल के एडवाइस की। उसने CFP की कंसल्टेशन फी पे की और अपने सारे गोल प्लान करवाए, जैसे वेकेशन, बच्चों की एजुकेशन, घर खरीदना और भी बहुत कुछ। अब हरीश, मुकेश और महेश की जॉब लॉस हो गई, एस तीनों एक ऑफिस में काम करते थे और कंपनी बंद हो गई। हरीश ने तो अपने दोस्त से 1% पर मंथ वाला इंटरेस्ट पे लोन ले लिया। अब वो 7% रिटर्न देने वाली पॉलिसी का प्रीमियम 12% लोन लेकर भर रहा था। एज फ्री एडवाइस देने वाले एजेंट ने उसे प्लानिंग नहीं करवाई थी, बस पॉलिसी बेची थी कमीशन के चक्कर में। मुकेश तो भैया खुद का प्लानर था, उसने अपनी SIP बंद कर दी और जो पैसे बच्चे के लिए इन्वेस्ट किए थे उसे निकाल कर घर चलाने लगा। घर चलाना बच्चे की हायर एजुकेशन से फिलहाल ज्यादा जरूरी था। महेश, उसके CFP ने उसे प्रिपेयर किया था इमरजेंसी के लिए प्लानिंग करते वक्त, और नई जॉब मिलने तक उसने अपनी SIP भी कंटिन्यू रखी, अपनी कार लोन, होम लोन की EMI भी भरता रहा, और तो और बाहर खाना खाने जाता था और हर वो चीज करता था जो जॉब थी तब भी वो करता था। हरीश और मुकेश को तो बैंक से नोटिस आ गई थी कार लोन ना भरने के
के कारण और उनकी हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी। जो जॉब हाथ लगी उसे ले लिया, सैलरी कम थी तो क्या हुआ, घर तो चलाना था। वहाँ महेश ने आराम से 3-4 महीने लगाए और ज्यादा सैलरी वाली जॉब ढूंढी, और तो और उसे मैनेजर की पोस्ट भी मिली। हरीश ने वो पॉलिसी बीच में ही बंद करवा ली, एस दोस्त से लिए हुए 12% वाले लोन चुकानी थी, नई जॉब जिसकी सैलरी ऑलरेडी कम थी। मुकेश ने कभी SIP दोबारा शुरू ही नहीं की, एस ऑलरेडी वो कार लोन भरने में पीछे चल रहा था। और महेश, उसे मिले थे पूरे 25 लाख अपने बच्चे को अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन दिलाने के लिए। यही नहीं, अब उसका खुद का घर भी था और कार भी अपग्रेड कर ली थी। लेकिन हरीश और मुकेश ने अपने बच्चों के नाम पर स्टूडेंट्स लोन अप्लाई किया था और उम्मीद में थे कि अप्रूव हो जाए तो अच्छा है। दरअसल हरीश, मुकेश और महेश को जाना था लंदन, मेरा मतलब है उनका गोल लॉन्ग टर्म था, लेकिन हरीश ने ट्रेन का सहारा लिया इस उम्मीद में कि कभी तो लंदन पहुंचा देगी। अब उसे क्या मालूम था कि ट्रेन तो लंदन जाती ही नहीं है और उसके एजेंट ने गलत टिकट पकड़ा दी थी उसकी कमीशन के चक्कर में। मुकेश ने ट्रेन तो छोड़ो, उसने तो साइकिल भी नहीं पकड़ी थी खुद का फाइनेंशियल प्लानर बनने के चक्कर में। और महेश, उसकी फ्लाइट लैंड हो चुकी थी सही सलामत। सो फ्रेंड्स, सिर्फ SIP करना प्लानिंग नहीं होता है, सही एसेट एलोकेशन करना इक्वली जरूरी है। पैसा कैसे काम करता है ये समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। वेल्थ क्रिएशन के साथ साथ वेल्थ प्रोटेक्शन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रोफेशनल की हेल्प लेकर आप ये कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, शेयर कीजिए इस वीडियो को और स्प्रेड कीजिए फाइनेंशियल फ्रीडम का मैसेज, और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और भी ऐसी फाइनेंशियल प्लानिंग वाली वीडियोस देखने के लिए, और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए नोटिफिकेशंस मिलने के लिए। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।